हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और दोस्तों आज बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट के बारे में कि इसमें क्या चल रहा है और क्या होगा आगे। तो दोस्तों न्यूज बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अभी कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑथेंटिक न्यूज अपडेट आप लोगों को दी जाती है। तो दोस्तों ये न्यूज है राजस्थान पत्रिका की, इसमें लिखा हुआ है रीट प्रथम लेवल भर्ती का मामला राज्य के चुनाव आयुक्त को बताए बेरोजगारों ने समस्याएं। तो राज्य के जो चुनाव आयुक्त है उनको तो दो तीन बार जो समस्याएं बता दी है। दोस्तों बात करते हैं इस न्यूज के बारे में आगे। ये सीकर की है, रीट प्रथम लेवल के चयनितों का नौकरी का इंतजार बढ़ता जा रहा है, न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद फाइल अब निर्वाचन आयोग में अटकी हुई है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगारों ने रविवार को जयपुर में भारत निर्वाचन आयोग, दोस्तों यहां पर गौर करने योग्य बात यह है, भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी सुनील अरोड़ा और संदीप सक्सेना को समस्या बताई। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने रीट प्रथम लेवल की भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने जल्द ही मामले में कोई निर्णय करने का आश्वासन दिया। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये बात भारत निर्वाचन आयोग को पता चल गई है अच्छे से कि यहाँ पर 26,000 लोगों का मैटर है तो जल्दी से इनको पोस्टिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा है कि ये कितने वैकेंसी कितने कैंडिडेट्स की थी, कितने की क्या है। तो उन्होंने दोस्तों इसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि इतने लोगों को हम नहीं रोक सकते। हाँ, पर उनके पास सामने बाधा ये भी है कि 4-5 राज्यों में चुनाव है तो वो भी थोड़े से बिजी हैं। यहाँ पे आगे और बता देते, ऐसे में पुरानी भर्ती मानते हुए, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पुरानी भर्ती मानते हुए इसको नियुक्ति दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ सेकाउटी के कई बेरोजगारों ने महासंघ के बैनर तले इस मामले में विभिन्न संगठनों की ओर से भर्ती अटकाने के लिए शिकायतों के विरोध में ज्ञापन दिया। आया दोस्तों दूध वाला आ गया था बीच में वीडियो बनाते हुए तो थोड़ा सा विघ्न पड़ा, समझ आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ लोग हैं जो विपक्ष में इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये भर्ती ना हो और वो बार बार शिकायतें कर देते हैं, इस वजह से भी आप लोगों की फाइल थोड़ी सी बाध्य हो रही है या लेट हो रही है। पर दोस्तों जीत आप लोगों की होगी क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे की भर्ती में वो कोशिश करें अच्छी और अच्छे मार्क्स लाएं और सिलेक्ट हो जाएं। जो जॉब लग रहे हैं उनको लगने दिया जाना चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आप लोग क्या चाहते हो। दोस्तों इसके बारे में अपडेट उपेंद्र भाई ने भी दिए और उनकी मूवी भी रिलीज हो चुकी है जो तो आपने देख ली होगी, लगभग 50 मिनट की मूवी है। जो अगर नहीं देखी तो उनके चैनल में जाकर आप देख सकते हो। और उन्होंने यही कहा है कि उनकी मुलाकात निर्वाचन आयुक्त से हुई है और जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी करवाने के लिए उन्होंने कहा है। हाँ दोस्तों, उन्होंने वेटिंग के लिए भी कोशिश करना चालू कर दी है कि जल्दी से जल्दी लोगों की पोस्टिंग दिलवा दी जाए और फिर वेटिंग भी निकलवा दी जाए। तो कोशिश तो यही है आप लोगों की पोस्टिंग जल्दी हो जाए, वेटिंग जल्दी से आ जाए। कुछ लोग यहाँ पर भी लड़ाई कर रहे हैं कि वेटिंग आएगी या रिसेप्पल आएगी। दोस्तों कुछ भी आए आपके लिए तो आनी चाहिए, वेटिंग आए या रिसेप्पल आए, जो लोग बाकी रह गए हैं उनको भी सिलेक्शन मिल जाए, मेरा तो कहना यही है। बाकी आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि वेटिंग आनी चाहिए या फिर रिसेप्पल रिजल्ट। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।